एक बहुत बड़ा सीन हो गया, मतलब इतना बड़ा धोखेबाजी। तून हम एक और राइड प्लान करने वाले हैं, हो सकता है इस मंथ के एंड में। सो हेलमेट रख दिया हमने धूप में सूखने के लिए। सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज है 11th ऑफ नवंबर और कल है दिवाली। तो ये ब्लॉग मुझे नहीं पता आप कब देखोगे, क्योंकि पोस्ट तो लेट ही होने वाला है। हम पहले अपने एपिसोड्स होंगे धर्मशाला ट्रिप के, वो अपलोड करेंगे, फिर देखना ये ब्लॉग। तून हम एक और राइड प्लान करने वाले हैं, हो सकता है इस मंथ के एंड में या दिसंबर की स्टार्टिंग में। अभी के सीन कुछ ऐसे हैं, करने वाले हैं अपनी बाइक वॉश। तो हेलमेट रख दिया धूप में सूखने के लिए, क्योंकि पूरी पैडिंग गीली हो चुकी है। तो माइक मुझे नहीं लगता सेफ बचा होगा, बचा ही होगा, ऐसे धूप में रख दिया मैंने। ग्लव्स भी पूरे गीले हैं। यहाँ पे आपको अगर विजिबल होगा तो ये हली हुई है ऑडियो की रेंडरिंग। तो कैपकट डायरेक्ट नहीं उठाता कोई भी ऑडियो, कभी कभी उठा लेता है अपडेट के बाद, लेकिन अब नहीं उठा रहा। पहले एडिट करना पड़ता है VN में, एक कोई भी रैंडम फ़ोटो लेकर जितनी भी ऑडियो है लगानी पड़ती है, फिर कैपकट में डाल के एक्सट्रैक्ट करके सेट करके अगेन रेंडर करके फिर एडिट करता हूँ मैं वीडियो। अब देख लो 1 घंटे की ये ऑडियो ऑडियो है, तो ये पूरी रेंडर हो गई, तो बहुत टाइम खाने वाली है। तो हो सकता है आज 11 है तो 12 को हमारा पहला एपिसोड, दिवाली के दिन ही पहला एपिसोड धर्मशाला का मिल जाएगा आपको 12 बजे। मिल गया होगा अब तक तो। सो ये चेक करो गाइस, पूरी मिट्टी बाइक से लगी है, तो ये चेक कर लो, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ गंदा हो पड़ा है। A to Z यहाँ पे पूरी घास घूस क्या क्या लगा है। और मुझे लगता है पानी इसके अंदर चला जाता है टैंक में, क्या पता चला गया हो। तो पूरी गंदी हुई है बाइक, तो इसे करने वाला हूँ अब मैं वॉश, तगड़े तरीके से करेंगे। जो नट था तो जिससे मैंने टायर डलवाया है उसने लूज़ कर दिया था, तो ये निकल गया था, शुक्र है मैंने यहाँ पे देख लिया, वो भी सुबह देखा, कल भी नहीं देखा, बच गया ये, नहीं तो गिर जाता ये पार्ट। 2000 years later। सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। तो आज है 13th of November, तो कल मैंने कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया। सो रात को हमने की थी पूजा बाइक की, विश्वकर्मा बिठाते हैं हम। सो ये चेक कर लो, सो अभी उठाया नहीं है, बिठाया ही है, तो जब उठाएंगे फिर आगे की कहानी शुरू करेंगे। एक बहुत बड़ा सीन हो गया, हमारी जो क्लच प्लेट्स हैं वो ख़त्म हो गई। तो क्लच प्लेट्स 20,000 किलोमीटर के बाद चेंज होती हैं, लेकिन जिनसे हमने लिए उनको खुद पता नहीं कब चेंज हुई हैं। थोड़ा खर्चा पड़ गया हमें, भारी खर्चा। और आज मैं शूट कर रहा हूँ फ्लैट कलर्स में, तो इसमें कलर ग्रेडिंग करने के लिए बहुत मस्त हो जाता है। तो आज मैं कलर ग्रेडिंग करके आपको दिखाऊंगा क्या क्या टैलेंट रखे हुए हैं हमने। सो पीछे से पड़ती रहती है यहाँ पर धूप, तो कभी भी ब्लॉग शूट नहीं कर सकते इस लोकेशन पर। लोकेशन तो बढ़िया है लेकिन धूप पड़ती है ना। इस साइड को अगर शूट करूँ तो बढ़िया होगा, क्वालिटी भी तगड़ी होगी। तो जो आज आपको ग्लो दिख रहा है यही है रियल ग्लो। तो धर्मशाला के मैं सोच रहा था एपिसोड बनाऊंगा, तो धर्मशाला की बात क्लियर कर देता हूं क्या क्या सीन्स हुए थे हमारे साथ। तो प्लान किया था हमने जाने का फ्राइडे को, फ्राइडे को प्लान जो था वो हफ्ता पहले से था, वो डेट तो चेंज नहीं होने वाली थी, लेकिन मैंने वेदर भी चेक नहीं किया और पूरा दिन रही बारिश। जितने भी प्लान्स थे बढ़िया बढ़िया जगह एक्सप्लोर करवाने के वो तो कैंसिल हुए ही हुए, लेकिन साथ में गोप्रो की बैटरी भी बहुत ज़्यादा ड्रेन हुई, पता नहीं किस कारण। मुझे लगता है मैंने ऑन रखा था आधे से ज़्यादा रूट में, क्योंकि एडिटिंग में आधे से ज़्यादा क्लिप ऐसे थे जिसमें कुछ बोला ही नहीं था, उसमें बैटरी खाई होगी। मेरे पास कोई पावर बैंक नहीं है, नहीं तो मैं चार्ज कर लेता जितने टाइम में हम घूम रहे थे। फिर भी बारिश थी, तो बारिश में माइक ख़राब हो जाता अगर मैं कनेक्ट करता, क्योंकि फ़ोन सब कुछ गीला हो गया था। तो शुक्र है बैग जो लेकर गया था उसके साथ था उसका कवर, तो सब कुछ सेफ रहा। तो ये कुछ सीन्स हुए, बट नेक्स्ट टाइम फुल प्लान के साथ जाएंगे, अगर जाएंगे भी। तो दिवाली के 3-4 दिन पहले यही चला हुआ था कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया में कि क्रैकर्स मत बर्न करना, सेलिब्रिटी कह रहे थे। समझ मुझे भी नहीं आया कि हमारा जो त्यौहार है ये आता है साल के बाद, फिर भी इन्हें दिक्कत है, क्रैकर्स क्रूकर्स नहीं जलने चाहिए, और जो इतनी वॉर्स लगी हुई हैं उनमें नहीं हो रहा पोल्यूशन। तो कल मैंने तो फुल ऑन पावर सेलिब्रेशन किया, मज़ा आ गया। तो अभी एज़ यूजुअल हम जा रहे हैं घास लाने, तो साथ में पानी भी ले जाता हूँ मैं, क्योंकि माता जी को लगी होती है प्यास, इतनी धूप में अब घास काट रहे हैं। तो एक होता है किसी बंदे के भरोसा किया होता है कि हाँ तू ये चीज़ दे रहा है तो तेरे ऊपर भरोसा है, तो वो बंदा भी कहता है हाँ कुछ ख़राबी नहीं है,
लेकिन बाइक में इतनी प्रॉब्लम्स थी ना, पहले जो क्लच था वो थोड़ा लूज़ था तो मैंने टाइट करवा दिया, पर वो क्लच प्लेट्स ही पूरी ख़त्म हो चुकी थी और अब पता चला क्लच प्लेट्स ही डलेंगी। मतलब इतना बड़ा धोखेबाजी, मज़ा नहीं आया। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गाइस हम जा रहे हैं पानी लाने। ये वादियाँ चेक करो। तो अभी एक बार भी मैंने अपने GoPro की वाटर टेस्टिंग नहीं की है, तो वो भी करेंगे सून। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में की जाए।